हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो ये है नाइट का टाइम, मैं जा रही थी अपना डिनर रेडी करने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी मैं ये डिनर की रेसिपी शेयर कर दूं। बिकॉज जब मैंने आप लोग के साथ अभी कल परसों में एक डिनर रेसिपी शेयर करी थी जिसमें कि मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के या बहुत सारे नॉन पेड क्लाइंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सुगम हम इस बिना नमक की चीज़ को तो मतलब मेरे गले से नहीं उतर रही है, तो हम क्या करें। तो स्पेशली आज उनके लिए रेसिपी है कि किस तरह से आप इस, अगर वो रेसिपी नहीं ट्राई कर पा रहे हो तो इस रेसिपी को ट्राई करो। इससे जो है एक तो आपकी स्किन बहुत शाइन करेगी और नेचुरल रेडनेस आ जाएगी आपकी स्किन पे, आपके लिप्स नेचुरल रेड होंगे, इवन अगर हल्के से डार्क भी हैं, और वेट लॉस तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज विटामिन सी से लोडेड ये जो है आपका डिनर। वेट गेन की तो बिल्कुल भी टेंशन मत करिए बिकॉज ये वेट गेन नहीं कराएगा, वेट लॉस कराएगा। और एग्जैक्टली इसीलिए मैं ये जो है डिनर अपनी डाइट में हमेशा से इंक्लूड करती आई हूँ, जैसे कभी कुछ कभी कुछ कभी इसको, तो आप इसको डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साथ ही साथ फुल ऑफ कैल्शियम है जो कि हम वुमेंस की सबसे बड़ी नीड होती है, हम कैल्शियम नहीं कंज्यूम कर पाते हैं। और मैं बोलूँ तो आप अगर 14 साल के भी हो ना तो अभी से रोज़ रात में एक ग्लास दूध लेना स्टार्ट करो, जो मैं अभी आपको रेसिपी बताऊँगी उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत रहेंगी। जब आप 30 क्रॉस करोगे, 40 क्रॉस करोगे, या जिन्होंने ये चीज़ लेना नहीं स्टार्ट किया, आप एग्जैक्टली अपनी मम्मा या फिर किसी से भी पूछ लीजिए कि उन लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन जब आप डिलीवरी करते हो एग्जैक्टली प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हाँ अगर आपने पहले से ध्यान दिया हुआ होता है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसीलिए अगर आप 14 साल के भी हो तो आप ये डिनर ले सकते हो, जी हाँ। तो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं किचन में जा रही थी बनाने, तो चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, इस डिनर की रेसिपी के लिए ऑफकोर्स एक पैन चाहिए। मैं लूँगी यहाँ पे गाय का दूध एक ग्लास। हाँ, अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है और नॉर्मल क्रीम वाला दूध है या फिर भैंस का दूध है तो आप आधा दूध आधा पानी लोगे। और अगर गाय और भैंस का छोड़ के अगर आप पैकेट्स के दूध लेते हो तो जो टोन मिल्क आता है उसका आप दूध लोगे। देन उसके बाद इसमें जो मैं चीज़ ऐड करूँगी वो मैं ऐड करूँगी लगभग 2 गुलाब की पत्तियाँ, इसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक दालचीनी स्टिक, एंड इसमें मैं ऐड करूंगी सम काली मिर्च, सम नहीं ओनली 4, जिसे मैं क्रश करके ऐड करूंगी। तो इसे मैंने क्रश कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे पकने दूंगी 5 to 7 मिनट तक। तो यहाँ पे जो मिल्क को बॉयल होते हुए 3 to 4 मिनट हो गया है और जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उनमें उन्होंने भी अपना स्ट्रैक छोड़ दिया है, काली मिर्च और दालचीनी ने भी इसमें स्ट्रैक छोड़ दिया है। तो अब हम इसे इसी तरह रख देंगे 5 to 7 मिनट, देन हम किसी ग्लास में इसे स्ट्रेन करेंगे और इसके बाद हम एज अ डिनर इसे लेंगे अपनी डाइट में। कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलेगा, आपको विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, जो इसमें दालचीनी है और जो इसमें काली मिर्च है, ये हमारी बॉडी को जो है बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, साथ ही साथ जितनी भी स्वेलिंग है उसे दूर करेंगे। तो अब मैं फिलहाल इसे स्ट्रेन करके अपने डिनर में ले रही हूँ और मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी अपने डिनर में इसे लेना स्टार्ट करिए और देखिए कि कितनी जल्दी आपको बेनिफिट इसके मिलते हैं। मैं तो अपना डिनर बना के किचन में रखाई हूँ, जस्ट बेडरूम में बैठ के ही पीऊँगी और मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी यम भी है। मतलब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होने देगा, पेट भी आपको काफ़ी भरा सा फील कराता है और मुझे काफ़ी पसंद है। और सबसे बड़ी बात है फुल ऑफ एनर्जी है और एनर्जेटिक डिनर है। तो यही बोलूँगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।